कन्नौज में आरिफ और सारस की दोस्ती को क्यों याद करने लगे अखिलेश? अखिलेश ने आरिफ और सारस पर अपने डायरेक्ट बीजेपी को धो डाला। आरिफ और सारस का जिक्र कर अखिलेश ने बीजेपी की सरकार के खिलाफ गढ़ा तर्क। जनता पर कितना पड़ रहा फर्क और आगे क्या होगा, सब कुछ बता दिया। आरिफ और सारस की दोस्ती को अखिलेश भूले नहीं, अब भी आरिफ अखिलेश को याद हैं, सारस अखिलेश के जहन में हैं। लेकिन सवाल ये, आरिफ और सारस का कन्नौज से क्या रिश्ता है, जिसकी बात कन्नौज की जनता के सामने रखकर अखिलेश ने बीजेपी के साथ मोदी योगी पर निशाना साधा। कन्नौज की धरती से सारस का क्या कनेक्शन है, जिसका जिक्र कर अखिलेश ने बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक पर निशाना साधा। आरिफ और सारस के बहाने अखिलेश ने एक ऐसा तर्क दिया जो अब से पहले शायद ही कभी दिया होगा। आप भी सुनिए अखिलेश ने क्या कहा। इन बीजेपी के लोगों ने न किसान को सुविधा दी, न उद्योगपतियों को सुविधा दी, न मजदूरों को सुविधा दी, न नौजवान किसान नौजवानों को मदद की, और इनसे सब नाराज हो गए कि नहीं नाराज बताओ आप। और उस समय जो हवाई जहाज उतरा उसके बाद तो हम ही उतरे, उसके पहले कोई नहीं उतरा है। लेकिन मैं ये जानता हूं मेरे आने से पहले बहुत सारस उड़ के गए यहां से, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उतरते हो न उतरते हो, लेकिन सारस और चिड़िया खूब उतरी होंगी यहां। कुछ साथी जानते होंगे सारस के प्रति समाजवादियों का अलग लगाव रहा है, ये पता है कि नहीं पता है? ये सरकार न जानवरों की रक्षा कर रही है और न चिड़ियों की मदद कर रही है। याद है एक नौजवान ने पाल लिया था सारस, उसे पकड़े ले जा रहे थे, जब उसे नहीं पकड़ पाए तो सारस पकड़ कर चिड़ियाघर में बंद कर दिया। मैं आपसे कहना हूं, अगर आप लोग कहना नहीं मानोगे तो यह सरकार आपको और हमें ही बंद कर देगी। और इतने तानाशाह हो गए ये लोग, इतने तानाशाह हो गए हैं कि ये अपने लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे, याद रखना, ये अपने लोगों को भी बंद करने लगेंगे। अखिलेश कह रहे हैं सारस के प्रति समाजवादियों का अलग लगाव रहा, ये सरकार न जानवरों की मदद कर रही और न ही चिड़ियों की। याद है एक नौजवान ने सारस पाल लिया था तो उसे पकड़कर ले जा रहे थे, जब उसे नहीं पकड़ पाए तो सारस पकड़कर चिड़ियाघर में बंद कर दिया। आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप लोग कहना नहीं माने तो एक दिन ये सरकार आपको और हमें भी बंद कर देगी। इतने तानाशाह हो गए हैं कि ये अपने लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। आपको बता दें कि एक वक्त कन्नौज सपाइयों का गढ़ रहा था। अखिलेश यादव पहली बार साल 2000 में कन्नौज से सांसद बने थे, चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। उसके बाद वो 2004 और 2009 में भी इस सीट से सांसद रहे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद लोकसभा से इस्तीफा देने के चलते 2012 में कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल निर्विरोध चुनी गई थी। 2014 के आम चुनाव में भी डिंपल ने इसी सीट से जीत दर्ज की थी, हालांकि 2019 में वो सुब्रत पाठक से यहाँ चुनाव हार गई। अब अखिलेश यादव ने एक बार फिर से इस सीट पर कब्जा करने का मन बना लिया है।